तो अभी फिलहाल हम लोग आए हुए हैं MBA चाय वाला, एंड मेरे को एक्चुअली ये प्लेस में आने का काफ़ी दिन से बहुत मन था, एंड कुछ रीजंस आ नहीं पा रहे थे, बट अभी सॉल्ट लेक पे है, एंड एक्चुअली हम लोग अभी गौतम्स पे थे, फिर वहाँ से निकल के अभी शाम का टाइम है, तो मन किया चाय पीने का, तो अभी हम लोग आए हुए हैं MBA चाय वाला, एंड ये सी ब्लॉक स्ट्रीट 220 पे है, न्यू टाउन राजाघाट वाला आउटलेट है ये, एंड यहाँ पे और भी आउटलेट्स हैं इनका, तो हम लोग अभी न्यू टाउन राजाघाट वाला आउटलेट पे आए हुए, एंड यहाँ आते ही ये फेमस अदरक पुदीना चाय, एंड ये मेनू कार्ड है इनका। ये जो चाय के ऊपर में जो ये लेयर आ जाता है, इससे आप लोगों को समझ आएगा कितना बढ़िया चाय है यहाँ का, एंड साथ ही साथ हम लोगों ने आलू बर्गर भी ऑर्डर दिया था, तो वो अभी जस्ट आया है, इसको भी ट्राई करेंगे अभी। इसके साथ साथ हम लोगों ने और भी कुछ खाने के लिए मंगवाया था, तो अभी फिलहाल आलू बर्गर को पहले अनबॉक्स करें। पूरा आलू पेटी है जिसमें थोड़ा सा बटर ये सब लगा करके सर्व किया है। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म है अंदर का ये पैटी, एंड इसका स्मेल भी काफ़ी सौंदा स्मेल है बिकॉज बटर पे किया हुआ है, पूरा बहुत गर्म है अभी। ठीक है, सो वॉइस ओवर पे आ रहे बिकॉज यहाँ पे थोड़ा गाना जोर से बजना चालू हो गया था। जो आलू बर्गर हम लोगों ने ट्राई किया था वो काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका, एंड यहाँ का जो आलू बर्गर है वो बहुत फेमस भी है, एंड टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो आउटलेट है राजाघाट वाला, ये आउटडोर सीटिंग बेसिस के ऊपर में बनाया है, एंड इनका जो और भी आउटलेट्स है, एक बड़ा बाजार में, एक सेक्टर 1 में और एक लेक टाउन में, तो ये लेक टाउन और सेक्टर 1 वाला का जो सीटिंग है वो इनडोर्स है, एंड इनका फूड मेनू जो है लेक टाउन वाले पे ही सबसे ज़्यादा वैरायटीज है खाने का। सो यहाँ पे हम लोगों ने पिंक सॉस पास्ता मंगवाया था, एक्चुअल में ये जो है वो मिक्स सॉस पास्ता ही है, एंड टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा था। तो ये खाने के बाद हम लोगों ने मंगवाया था मार्गरेटा पिज्ज़ा, तो ये जो पिज्ज़ा था इसका ब्रेड काफ़ी फ्लफी था। एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया वो ये था कि ये जैसा हम लोग डोमिनोज का पिज्ज़ा या पिज्ज़ा हट का हम लोग जो पिज़्ज़ा खाते हैं, तो वो जो चीज़ का जो स्प्रेड आता है हर एक बाइट पे, वो चीज़ इस पे नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में जो ऊपर का जो चीज़ का लेयर था खाली उसी का स्प्रेड आ रहा था और कुछ नहीं। तो टेस्ट वाइज लाइक रेट के हिसाब से, स्नैक्स के हिसाब से ठीक है, एंड जो ब्रेड था ब्रेड काफ़ी फ्लफी था, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा नहीं था ये। तो अभी जस्ट खा पी करके यहाँ से निकल रहे, एंड अभी बज रहा है वैसे 7:30, एंड यहाँ से अभी जाएंगे तो लाइक मम्मी भी घर पे है, तो आज डिनर उन लोगों को मन कर रहा है राज कचौड़ी खाने का, तिवारी इसका। सो अभी जाएंगे तिवारी जो न्यू अलीपुर में, सो यहाँ से करीबन 40 मिनट का टाइम लगेगा जाने में, तो अभी बस निकल रहे। मतलब ये सब क्या चिंगड़ामी, एकदम चिंगड़ामी वाला लाइन में आ गया। एकदम सही लग रहा है दादा। सो रात के 10:30 बज रहे, एंड तिवारी से जो मैंने लिया था वो अभी मैं बस भैया को दे के आ रहा हूँ, एंड यहाँ पे अभी मैं गौरव के साथ हूँ, तो एक्चुअली इसके घर में स्टे करने का प्लान है। मेरे सामने ये गंगा घाट है, रात के टाइम में पूरा सन्नाटा एकदम। सो नेक्स्ट डे निकल रहे अभी घर के लिए, एंड मेरा आउटफिट देखना खाली, यहाँ से हाफ पैंट है एंड नीचे में ये बूट्स। ठीक है, सो अभी जस्ट घर आए एंड काफ़ी टायर्ड है ऑलरेडी, तो वो अभी साफ सफाई वो सब करना बाकी है, तो वो अभी करेंगे, वो करके फिर फ्रेश होंगे एंड देन फिर शाम को जाएंगे जिम। फाइनली आया, इतना बड़ा पैकेट में आया था, फोन आया नहीं है उससे पहले, इसका चार्जर वार्जर सब आ गया, चार्जर भी नहीं आया एक्चुअली, इसे हेड आया है, अडैप्टर आया है। ये क्या ही दिखा है, 20 वॉट का अडैप्टर है, 1900 रुपीज दाम बिताया से कितने से चीज़ का, ये अलग से लेना पड़ रहा है अब। सारे 7 बज रहे हैं अभी, जस्ट घर घुसे जिम से, एक्चुअली आज जिम में डेडलिफ्ट सेशन था, लाइट सेशन ही था, ज्यादा कुछ इंटेंस नहीं था। एनीवेज आज के लिए इतने रखते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।